नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज के इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर एपिसोड के बारे में बात करूंगा जो पिछली ईद पे हुआ है। छतरपुर एक स्मॉल टाउन है मध्य प्रदेश में। वहां पे एक जुलूस निकला। इंडियन मुस्लिम्स ने एक प्रोसेशन वहां पे निकाला। ये वीडियो मैं अभी आपको दिखा ही रहा हूँ। और इसकी जो थीम थी वो बेसिकली अर्टोगोल के ऊपर थी। और अर्टोगोल अगर आप जानते हो, जिन लोगों ने वो सीरियल देखा हो, बेसिकली एक वो टर्की में एक ट्राइबल, आप कह सकते हो ट्राइबल लीडर था जिसने बैटल्स लड़ी, जीता एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को एक्चुअली उसका कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा, बिकॉज वी आर हार्डली कंसर्न विद टर्की एंड इट्स हिस्ट्री। वो ठीक है, ऑटोमन एम्पायर किसी जमाने में हुआ है, मगर आज की डेट में उससे हमारा कोई खास कनेक्शन नहीं है। तो ये जो प्रोसेशन वहां पे निकला, अर्टेगाल का जो कैरेक्टर है उसमें डिपिक्ट किया गया, और जो जो हथियार उस जमाने में जो हथियार चलते थे वो भी उन्होंने डिपिक्ट किए। दैट्स ओके। मेरा जो पर्टिकुलर कंसर्न है, और एक्चुअली ये मेरा कंसर्न नहीं, एक इंडियन मुस्लिम है मिस्टर तनवीर, एंड ही इज एक्चुअली इन सऊदी अरबिया, तो उन्होंने उसके ऊपर एक ट्वीट किया। तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया, और इनका जो ट्वीट है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। हैव ए लुक ऑन दैट एंड देन वी हैव गॉट सो मेनी क्वेश्चंस टू आंसर। तो ZAHACK तनवीर, ये एक ट्विटर हैंडल है, जो बेसिकली मैं इनका प्रोफाइल भी आपको दिखा दूंगा। ही इज इन सऊदी अरबिया। तो इन्होंने क्या लिखा, और एक्चुअली यहीं से मैंने इसको पिकअप किया। टर्किश अर्टुगरल थीम इन ईद मिलाद प्रोसेशन इन मध्य प्रदेश इंडिया। दिस इज टोटल मैडनेस। दिस इज वॉट ही हैज रिटन। वॉट इज द नीड टू ग्लोरिफाई टर्क इन्वेडर्स इन इंडिया व्हाइल देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेसिस्ट टर्क्स एंड इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम्स का उनसे क्या कंसर्न है? ऑफ कोर्स अर्टुगरल का कभी इंडिया के ऊपर उसने अटैक किया हो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मगर टर्क इन्वेडर्स की हिस्ट्री है। एंड प्रॉब्ली ये जो यहाँ पे जो डिपिक्शन हुआ है वो उसी को सिग्निफाई करने के लिए किया है। व्हाट द कनेक्शन बिटवीन मिलाद, टर्क एंड इंडियन मुस्लिम? इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, और किससे पूछा है? इंडियन मुस्लिम्स से पूछा है उन्होंने ये क्वेश्चन। टर्क्स और ऑटोमन्स आर नॉट इस्लाम, दे वर एम्पायर्स एंड इन्वेडर्स हु हैपन टू बी मुस्लिम्स। कितना एक ब्लंट कमेंट उन्होंने दिया है। मोर ओवर द मिलाद रैली इज कैरिड आउट पब्लिकली फ्लॉन्टिंग द कई KAY ट्राइब वेपन्स एंड इट इज ए अटर हाइपोक्राइसी टू से दैट करंट गवर्नमेंट डज नॉट गिव राइट टू मुस्लिम्स। नाउ इनका जो पॉइंट है कि अगर मुस्लिम्स ये कहते हैं कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप देखें कि आप उस जमाने के हथियारों का भी पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं। इतनी फ्रीडम है छतरपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। व्हाइल इट इज एन अ प्रूफ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट सच ल्यूडिक्रस एक्ट्स आर परफॉर्म पब्लिकली। व्हाट इफ अदर कम्युनिटीज कैरी सच वेपन्स इन देयर रिलीजियस प्रोसेशंस? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन उनका है, और ये बड़ा एक जेन्यून सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है, कुछ लोगों ने ऑब्वियसली उनको सपोर्ट भी किया है। बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं कि किसने सपोर्ट किया, कितने अपोज किया। एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया में अच्छी खासी है। दूसरी बात जो मेन क्वेश्चन है, और ये एक्चुअली तनवीर का भी ये क्वेश्चन है, कि आफ्टर ऑल जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? अगर आप देखें पाकिस्तानी मुस्लिम्स, दे आर लॉस्ट। पाकिस्तानी मुस्लिम्स को कुछ भी कहीं पे भी ना तो एक्सप्रेस करने की कोई फ्रीडम है, आपको पता है वहां पे क्या हो रहा है, बट हैं क्या वो? व्हाट आर दे लाइक इंडियंस? दे आर अरब्स, दे आर टर्क्स, व्हाट आर दे? कभी वो अपने आप को सेंट्रल एशिया से
कोरिलेट करते हैं, कभी अफगान से कोरिलेट करते हैं, अफगानी उनको मुस्लिम्स मानने को तैयार ही नहीं है, वो बोलते हैं कि तो सारे कन्वर्टेड हिंदूज हैं। टर्क्स, आप समझ सकते हैं कि टर्क्स उनको कितना मुस्लिम मानते हैं। अरब्स, आप देखो जितने भी मुस्लिम लेबर फोर्स अगर मैं कहूं जो अरब कंट्रीज में जाती है, हाउ दे आर ट्रीटेड, या बाकी लोग कैसे ट्रीट करते हैं पाकिस्तानियों को। एंड सेम हैपेंस विद इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स को अरब्स में आप देखो तो डू दे गिव सिटीजनशिप, डू दे इंटरमैरी। और इधर आप इंडियन मुस्लिम्स की हाल देखिए कि एक सॉलिड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज कैसे कर रहे हैं। वो अर्तगाल की थीम लेके ईद के ऊपर जुलूस निकाल रहे हैं, और यही एक्चुअली तनवीर का क्वेश्चन है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल इंडियन मुस्लिम्स चाहते क्या हैं, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप को देना पड़ेगा। सूनर और लेटर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड टू देम, और अगर ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, दे विल कंटिन्यू टू बी लॉस्ट। मुस्लिम्स का जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, अभी आप देखें तो जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें यह है कि पुणे में 3 सो कॉल्ड रेडिकल्स पकड़े गए, एंड तीनों के तीनों बेसिकली दे हैड प्रोबेबली सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एंड आई एम श्योर ये एनआईए ने उनको अरेस्ट किया, उनका कुछ कनेक्शन निकला, अब इन्वेस्टिगेशन होगी। व्हाट इज हैपनिंग टू इंडियन मुस्लिम्स, और इंडियन मुस्लिम्स की जो लीडरशिप है वो कर क्या रही है? डू दे वॉन्ट टू आइडेंटिफाई इंडियन मुस्लिम्स विद टर्क्स और अरब्स? और तनवीर ने एक बड़ा पर्टिनेंट सा क्वेश्चन पूछा कि कोई भी आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जिस लैंड में, जिस जमीन पे आप रह रहे हो उसके तो आप नहीं हुए, और अगर उसके, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मुझे मालूम है ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं जो सॉलिडली इंडियंस है, देर इज नो डाउट इन माई माइंड, बट फैक्ट रिमेन्स के ऐसे बहुत लोग भी हैं जो रेडिकल्स हैं, और उनकी संख्या ऑब्वियसली, ये जो प्रोसेसर निकला है ये एक नॉर्मल प्रोसेसर तो नहीं है, किसी ना किसी थॉट प्रोसेस से ये जनरेट हुआ ही होगा। अगर इंडियन मुस्लिम्स अपने आप को अर्तुगाल से रिलेट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देर इज ए बिग क्वेश्चन ऑन इंडियन मुस्लिम लीडरशिप एंड ऑन इंडियन मुस्लिम, और जैक तनवीर ने ये ही पूछा है। आई थिंक आई एम पुटिंग मोर क्वेश्चन देन, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर फॉर इंडियन मुस्लिम, दे हैव टू गिव आंसर टू देमसेल्व, कि जब इस तरह के प्रोसेसर निकाल रहे हैं तो जो रेस्ट ऑफ द इंडियंस हैं उनके ऊपर वो क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।